हमारा अगला प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो कुछ इस तरह से है. अ बॉडी वेज 400 डाइन इन एयर इफ इट्स वॉल्यूम इज 10 सेंटीमीटर क्यूबिक. व्हाट विल बी इट्स अपरेंट वेट इन वाटर. बच्चों इस प्रश्न में समझने वाली बात यह है कि एयर में बॉडी का वेट दे रखा है, साथ ही साथ उसका वॉल्यूम दे रखा है, बट हमें ये जानकारी नहीं है कि बॉडी की डेंसिटी क्या है. बच्चों अगर ये जानकारी हमें मिल जाए तो हम बता सकते हैं कि ये वाटर में सिंक कर जाएगा या फ्लोट करेगा. तो सबसे पहले हम बॉडी की डेंसिटी निकालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वाटर की डेंसिटी तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक है. बॉडी की डेंसिटी निकालते हैं हम. 400 डाइन के करस्पॉन्डिंग मास होगा 40 ग्राम एंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज 10 सेंटीमीटर क्यूबिक. सो डेंसिटी ऑफ बॉडी इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक. ये डेंसिटी क्लियरली वाटर की डेंसिटी से काफ़ी ज़्यादा है, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो हमारी बॉडी है वो सिंक कर जाएगी. बट सिंक करने के साथ साथ इसके वेट में कुछ रिडक्शन भी होगा, और वह रिडक्शन बायोंड फोर्स के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होगा. सो द अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू वेट इन एयर माइनस द बायोंड फोर्स. सो बायोंड फोर्स इज इक्वल टू अगेन डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू द वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड. कैलकुलेट करने पर बच्चों यह वैल्यू आती है 300 डाइन.